तो गाइस फाइनली पहुंच गए बोकारो रेलवे स्टेशन। क्या बताया गाइस, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, आई कांट से दैट हाउ मच हैप्पी आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग तो 7 दिन बाद आ रहा है, क्या ही बोले यार। दिल्ली में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो व्लॉग नहीं बन पा रहा था, और अभी बज रहा है रात का 8, ट्रेन है 10:30 बजे। अब आप लोगों को मेरा चेहरा देख के मालूम चल ही गया होगा कि आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेन है 10:30 में जो कि घर जाने वाला है बोकारो, और दिल से भाई बता रहे बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी रेडी होते हैं, और अभी 8 बज रहा है, जल्दी से देखते हैं निकल ही लेते हैं, अच्छा होगा, निकलते हैं। और डब्लू भैया, जो मिराज भैया, वो तो ड्यूटी गए, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। रेडी हो गया और मेट्रो स्टेशन पर बैठने वाले हैं, चलिए जल्दी से मेट्रो में बैठते हैं। अरे रेलवे स्टेशन आ गए हैं, रेडी हो गए हैं, मतलब अभी जस्ट आए और सुन रहे हैं कि मतलब ट्रेन अब आने वाला है, तो चलिए इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, क्या ही कर सकते उससे ज़्यादा, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। और यार क्या ही बोले, मालूम नहीं चल रहा है कि मतलब कहाँ जाना है, कौन सा चढ़ना है। चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। Finally, I got my seat and here it's more comfortable. But yeah, I got क्या मिला यार, अपर बर्थ हमको मिला है यार, क्या ही बोले, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, और क्या ही यार, जल्दी में टिकट चाहिए तो मिल गया, जो मिला चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल है, आराम से, अकेले हैं, टेंशन नहीं है। चलिए थोड़ा सा भूख लगा यार, खाते हैं, कुछ खाए नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाए, क्यों, खुशी थे घर जाने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अभी जस्ट सो के उठे यार, रात में क्या ही बोले यार, अंकल इतना गंदा खराटा मार रहे थे ना, मेरा मुँह ही खराब, नींद भी नहीं, सो भी नहीं पाया यार, क्या ही बोले, बहुत मुश्किल से सोया। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है, 800 किलोमीटर कवर हो गया, और अभी सोच रहे जाते हैं, जल्दी से फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद देखते हैं नाश्ता क्या करेंगे, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे नाश्ता। चलिए जल्दी से फ्रेश होते हैं, फिर फ्रेश होने के बाद मिलते हैं आप लोग से गाइस। फाइनली पहुंच गए हैं बोकारो रेलवे स्टेशन। क्या बताया गाइस, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, आई कांट से दैट हाउ मच हैप्पी आई एम। चलना है, जल्दी से निकलना है, ऑटो पकड़ना है, घर की तरफ चलना है, बहुत जोर से प्यास लगा है। तो चलिए सबसे पहले स्टेशन से बाहर निकलते हैं, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ऑटो पकड़ते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गए। ट्रेन का तो अलग ही रोल था यार, उससे पहले स्टिंग पी लेते हैं। तो गाइस स्टिंग पी लिए, और ये दिखा देते, छोटा सा टूर दे देते हैं बोकारो स्टेशन का, छोटा सा ही टूर है, वहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ ख़त्म, एग्जिट गेट है, यहाँ से एग्जिट होते हैं जल्दी से। यार गजब का फीलिंग आ रहा है यार कि घर पहुंच गए, मज़ा आ रहा है यार। यहाँ का एनवायरनमेंट और दिल्ली का एनवायरनमेंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेश वाला फील हो रहा है। ये है स्टार्टिंग बोकारो स्टेशन का, चलिए अब जल्दी से ऑटो लेते हैं।
prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down. Guys, I am having my tea. मैं से रहा नहीं गया यार, सिर दर्द कर रहा था, चाय लेना जरूरी था और यहाँ पे आ गए उमर भाई और सहबाज बहले ने। क्या भाई, कैसा है भाई? चलो पहले चाय पी लो, फिर मिलते हैं। ये हमारे सस्ता व्लॉगर सस्ती जगह में आके गन्ना का जूस। क्या सस्ता व्लॉगर भैया, क्या हुआ तेरा मोबाइल टूट गया क्या? हाँ, पैसा उसा दो यार, टूट गया। गन्ना का जो सड़ रही थी, ये सस्ता लोग इधर ट्राई करते हैं। तो कैसा लगा भाई? नमक, पहला इम्प्रेशन नमक कम था। ठंडा पानी यूज नहीं करते, बड़ा सुबह से अभी तक गल नहीं जाएगा क्या? बताइए सर कैसा लगा? ऑल इज वेल बट ठंडा कम है, लेकिन बर्फ कम डाल रहे तो अच्छा है, उससे पानी कम मिक्स हो रहा है। और एक गिला भैया, छोड़ना नहीं है क्या? अदनान को ये भैया छोड़ नहीं रहे। कहाँ है लोकेशन बताओ? राम मंदिर, अगर आपको पीना टेस्ट करना है तो अंकल के पास आ जाइए, राम मंदिर शॉप के सामने। ये आपको यहाँ वापस आके कैसे? हाँ सब सब दे दीजिए। आपको यहाँ यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है दिल्ली के बाद? मजा आ रहा है, लग रहा है यार सही में कि बोकारो एकदम जंगल है यार, इतना खाली यार। दिल्ली में साला पार रोड पार करने के लिए 10 मिनट वेट करना पड़ता है और यहाँ पे कोई वैसा कुछ नहीं है, मजा आ रहा है। भीड़ भी ज्यादा नहीं? भीड़ भैया? हाँ भीड़ भी ज्यादा नहीं, रेड लाइट वुड लाइट कोई नहीं और इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो मजा आया हमको। पीछे आप अभी तो यहाँ मास्क फ्री स्टेट यहाँ जा रहा है, लेकिन दिल्ली में मास्क फ्री नहीं, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन अभी फिर से दिल्ली सरकार बोल दिया है कि 500 रुपया फाइन लगेगा अगर मास्क पहन के नहीं आइएगा तो। यहाँ पे कोई मास्क वगैरह नहीं भाई, एक आध को दिखता होगा, देख रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी 6 बज रहा है और घर आ गए यार। घर आके सबसे पहले फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद मम्मी बोली रेडी हो जाओ, और रेडी होने के बाद देखे पीछे कौन है। आजा सिजा, आओ रे। अरिबा आओ, अरिबा पूरा खुश है, अरिबा आओ। इमरान भी वहां है, आ इमरान यहाँ। देखे अरिबा कैसे दिख रही है इतना दिन बाद। अरिबा इमरान सो के उठा है, मजा आ रहा है। आओ सिजरा, आओ सिजरा वहां पीछे है और अभी आप तारी आराम से रे। मेरी बिल्ली, अच्छा मेरा गोदी में, मेरा गोदी क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा तुम यहाँ खड़ा हो, लो लो तुम आईना लो इधर देखो। तो गाइस चलिए अब अजान होने वाला है, तो चलिए सबसे पहले तैयारी करते हैं अफ्तारी का। अरिबा अफ्तारी का तैयारी करो, रोजा तो नहीं रखे लेकिन फिर भी अफ्तारी करेंगे, खाएंगे। खाने वाला तो रोजा रखे। हाँ खाने वाला रोजा रखे, तो चलिए सबसे पहले अफ्तारी खोलते हैं फिर देखते हैं क्या प्लान है क्या। तो गाइज अजान हो गया है और अफ्तारी में आज है ब्रेड पकौड़ा, एग पकौड़ा और आलू चॉप पकौड़े। आराम से खाओ अरिबा, इतना भुक्कड़ मत बनो, गिरा दे रही है। धोके खा लो। तो चलिए जल्दी से अफ्तारी करते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। और यहाँ नानी है, नानी भी अफ्तारी कर रही है, नानी सिर्फ रोजा रखी है और हम लोग कोई नहीं। अफ्तारी कर लिए, सिजरा दुकान जाएगी क्या? हुआ सिजरा चलो दुकान, चलो छोड़ दो, हम तेरे साथ दुकान नहीं जाएंगे, हम जा रहे अपना दोस्त से मिलने, जाओ।
भाई कैसा है भाई? और अदनान भाई भाई कैसा है भाई? के बाद बाल बड़ा करके आ रहे टकला हो गए भाई कैसा है भाई? चलो अभी खर्चा और चलेगा अभी दुकान करो आए नहीं और खर्चा भाई कैसा है भाई? हम तो ठीक है भाई बताओ कैसा है भाई? उमर छपरी भाई इसका रिव्यू डालेंगे इसका बाल का रिव्यू लगा थोड़ा हाथ साथ दे रहे हैं। चलो चलो दुकान तरफ चलो चलो भाई अभी दुकान तरफ आया है और स्ट्रिंग अबे स्ट्रिंग से तो स्ट्रिंग भाई स्ट्रिंग दो चार गो भाई कुछ कमी दिख रहा है दुकान में कौन वाला पे भाई स्ट्रिंग अदनान सरफू भाई कैसा है भाई? ठीक है भाई भाई तुमको बहुत मिस किए भाई। नहीं भाई इतना भाई सही में बहुत मिस किए मेरा छोटा डोने तीने को स्टिंग दो तो और बाकी अभी फीस दे दो चार को। लो भाई सरफू लो भाई गुद्दा लो ना अबे गजब कर रहा है लो लो साबिर भाई पियो भाई लो ना नेक्स्ट टाइम स्टिंग लो भाई एगो तुम पी लो अफसर भाई कैसा है आप पी लेना बाद में स्टिंग। चलो सरफू भाई मिलते हैं बाद में ठीक ना। चलो स्टिंग पीते हैं उमर भाई। तो गाइस अभी जिसान भाई आया है और जिसान भाई को दिखा उसको मालूम नहीं कैसा है भाई कैसा है वालेकुम सलाम पिएगा क्या भाई जिसान को भी स्टिंग दे दो बकरखानी पे अब हम पूछे इससे कहाँ है हमारा चहल भाई कुछ नहीं बोला दो और को स्टिंग दो पे कर देंगे ठीक ना कितना हुआ क्या नाम है गुलाम छमदानी कहाँ घर है ये बंगाल का लौंडा है बंगाल का है बंगाल का कौन है ब्रेज भैया सोए है हाय ब्रेज हाउ आर यू ब्रेज सोया है ये हमारे समदानी भांजा जी डांस कर रहे हैं और क्या ही मजा आ रहा है यार इसी के अंदर में आयो हवा आ जा यार समदानी मजा आ रहा है ना गर्मी नहीं लग रहा है ना बाबू है चलो अब हमको जाना है शादी घर तो हम जल्दी से रेडी होते हैं फिर गाइज आप लोग से मिलते हैं दोस्त का बहन का शादी है जाएंगे खाएंगे मजा आएगा तुम भी चलेगा चलेगा ठीक है। 4 hours later ये गए थे मैरिज मेरा दोस्त का सिस्टर का शादी था वहाँ गए थे तो वहाँ से आगे वहाँ ज़्यादा ब्लॉग नहीं किए मतलब दोस्त लोग आए थे एंजॉय किए तो गाइज आज घर आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया तो गाइज आई होप आपका आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज बाय I don't wanna fall in love I just wanna have some fun